हाय फ्रेंड्स, मैं नुशलाक। आज हम बनाने वाले हैं वेज मराठा। इसके लिए मैंने 2 कप पत्ता गोभी अच्छा फाइनली चॉप करके लिया है और उसको मैंने थोड़ा सा नमक लगा के 10 से 15 मिनट रख दिया था। और मैंने 1 कप गाजर अच्छा फाइनली चॉप करके इसको भी थोड़ा सा नमक लगा के रख दिया था। ये दोनों चीज़ों में से हम लोग अच्छा सा पानी ड्रेन करके लेंगे। एक मसलिन क्लॉथ लेंगे हम लोग, उसमें ये पत्ता गोभी जो फाइनली चॉप और नमक लगा के रखा था वो डाल के उससे हम लोग पानी ड्रेन करके लेंगे। पानी हम लोगों को ऐसे ड्रेन करके लेना है। अब जितना ज़्यादा पानी ड्रेन कर सकते हो उतना ड्रेन करके ले ले इसमें से। सेम प्रोसीजर मैं गाजर के लिए करूँगी। गाजर से मैं ये एक्सेस पानी ड्रेन करके लूँगी मसलिन क्लॉथ में डाल के। अभी हम लोग कोफ्ते की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने ड्रेन किया हुआ पत्ता गोभी 2 कप, 1 कप गाजर जिसमें से मैंने पानी ड्रेन करके लिया है, 1 आलू बॉईल करके अच्छे से स्मैश करके लिया है, 1 टीस्पून लहसुन फाइनली चॉप, 1 टीस्पून अदरक फाइनली चॉप, कुटा हुआ धनिया और सौंफ 1, धनिया पाउडर 1/4 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, 1 फाइनली चॉप हरी मिर्च, सूजी 1/2 टेबल स्पून, नमक टेस्ट के हिसाब से, थोड़ी सी कसूरी मेथी। ये सब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले 1/4 कप कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और बेसन का आटा हम लोग ये पूरा ऐड होने के बाद ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद इसमें मैं 1 टेबल स्पून बेसन का आटा ऐड करूँगी। हम लोगों को बेसन का आटा ज़्यादा नहीं ऐड करना है, जितना इसेंशियल है उतना ही ऐड करना है। और हम लोगों को ऐसे कोफ्ते अच्छे से बना के लेने हैं। मैंने इसमें से पानी अच्छे से ड्रेन किया है तो हम लोगों को कॉर्नफ्लावर और बेसन का आटा ज़्यादा नहीं लगेगा। लास्ट में मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूंगी और अच्छे से मल के इसको 1-2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। लास्ट में मैं इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल के अच्छे से डो प्रिपेयर करके लूंगी। अब मैं कोफ्ते तैयार करके लूंगी। कोफ्ते आप कौन से भी शेप में बना सकते हो, राउंड या फिर सिलेंडर। मैं यहाँ पे सिलेंडर शेप में कोफ्ते बना रही हूँ। ये हम लोगों को इतने इतने साइज के कोफ्ते पूरे रेडी करके लेना है इसमें से। अब मैं कोफ्ते फ्राई करके लूंगी। इसके लिए मैंने पैन में ऑयल गरम कर लिया है, इसे गरम करके लिया है चेक करके। फिर इसमें मैं ऐसे कोफ्ते ऐड करूंगी। कोफ्ते हम लोगों को ज़्यादा ऐड नहीं करने हैं, 2 से 3 आपके पैन में जितने बैठते हैं उससे कम डाल के ये फ्राई करके लेने हैं हम लोगों को। इसके लिए मैं फ्लेम भी मीडियम रखूंगी, ज़्यादा हाई नहीं रखूंगी। और कोफ्तों को हिलाना नहीं है, डालते ही हिलाना नहीं है उसको। थोड़ा 5 मिनट वैसे ही रख दे, फिर आपको साइड चेंज करके लेनी है। इसमें कोफ्ते हम लोगों को मीडियम फ्लेम पे ही करना है, हाई फ्लेम पे कुछ भी नहीं करना है। इसमें से हम लोगों को मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से फ्राई करके लेना है हम लोगों को। ये मेरे कोफ्ते फ्राई होके रेडी हो गए। ये अब मैं निकाल लूंगी। ऐसे हम लोगों को ब्राउन कलर पर ये फ्राई करके लेना है। ये मैं निकाल के रिमेनिंग वाले फ्राई करके लूंगी। ये ऐसे मेरे कोफ्ते रेडी हो गए। कोफ्ते फ्राई होने के बाद हम लोग ग्रेवी की प्रिपरेशन करेंगे। इसके लिए मैंने एक मीडियम साइज की प्याज, एक मीडियम साइज का टमाटर, 4 से 5 लहसुन की कलियां, 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 हरी इलायची का टुकड़ा, 1 टीस्पून अदरक, ये हम लोग अच्छे से फ्राई करके लेंगे। फ्राई करते समय मैं 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूंगी और ये अच्छे से सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लूंगी मैं। ये थोड़ा सॉफ्ट होने के बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून तेल ऐड करूंगी और तेल भी फ्राई करके लूंगी। ये ऐसे फ्राई होने के बाद मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी और इसकी एक फाइन प्यूरी बना लूंगी।
अब हम ग्रेवी प्रिपेयर कर लेंगे। ग्रेवी के लिए हम लोग 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। इसके लिए ऑयल ज़्यादा लगता है। थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। ऑयल अच्छा गर्म होने देंगे हम लोग और बटर अच्छे से मेल्ट होने देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम लोग 1/4 टीस्पून जीरा ऐड कर लेंगे और जो हम लोगों ने मसाला प्रिपेयर करके लिया था वो ऐड करके वो अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक इसका तेल नहीं छूट जाता। मसाले से तेल छूटने के बाद इसमें हम लोग 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल तीखा, 1 टेबलस्पून हम लोग ये कांदा लहसुन चटनी जो मार्केट में अवेलेबल है होती है वो ऐड करेंगे और ये अच्छे से मिक्स करके इसको 5 मिनट तक हम लोग पका लेंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करूँगी मैं। नमक मैंने ग्रेवी के हिसाब से एडजस्ट किया है। हम लोगों ने कोफ्ते में ऑलरेडी नमक डाला हुआ है। अब मैं इसमें गरम पानी ऐड करूँगी। गरम पानी मैं 1/2 कप ऐड करूँगी और इसको पकने के लिए मैं 5 मिनट ढक के धीमी आंच पर छोड़ दूँगी। ग्रेवी हम लोगों की 5 मिनट पकने के बाद इसमें मैं काजू की पेस्ट ऐड करूँगी। काजू और बादाम इसकी मैंने पेस्ट बना ली थी वो पेस्ट ऐड करूँगी। दही 1 टेबलस्पून ऐड करूंगी और फ्रेश क्रीम जो आपके घर पे अवेलेबल हो वो यूज़ कर लेना। मैंने ये अमूल वाली फ्रेश क्रीम यूज़ की है और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। इसमें मैं अब कसूरी मेथी ऐड करूँगी और इसको ढक के मैं एक 5 मिनट पका लूँगी। पकाते समय हम लोगों को फ्लेम लो रखनी है। ये हमारी ग्रेवी अब बन के रेडी हो गई है। मैं इसमें अब ये कोफ्ते ऐड करूँगी। आपको कोफ्ते खाते समय ही ऐड करना है, पहले ही ऐड करके नहीं रखना है। ये कोफ्ते आप ऐसे ही खा सकते हो, मंचूरियन बॉल बोल के बच्चे ये लोग ऐसे ही खा सकते हैं। ये ग्रेवी हम लोगों को ज़्यादा पतली नहीं बनाई नहीं है, ये ग्रेवी थिक वाली होती है तो हम लोगों को ये ज़्यादा पतली नहीं बनानी है। अब मैंने जब बॉल ऐड कर दिए हैं तो ये ग्रेवी की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसके ऊपर मैं अब तड़का बना लूँगी। तड़के के लिए हम एक पैन में बटर गरम कर लेंगे। बटर मेल्ट होते ही उसमें हम 1/4 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, 4 से 5 कलियाँ लहसुन के ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल तीखा ऐड करेंगे। यह तड़का मैं इसके ऊपर ऐड कर लूंगी। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। ये हमारा बनके रेडी हो गया है वेज मराठा। इसे मैं अब सर्विंग बाउल में निकाल लूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये हमारा बनके रेडी हो गया है वेज मराठा।